सीटें चिन्हित की गई थी जो बार बार आ रहे थे। कल भी खबरें ये है कि कल की जो बैठक उसमें भी तय किया गया कि 65 सीटों पर पहले उम्मीदवार घोषित किया, क्या अगले एक महीने में हो जाएंगे ये गोविंदपुरा और तमाम जो सीटें? इस पर चर्चा चल रही है, ये तो कमलनाथ जी हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, चुनाव समिति बनेगी और केंद्रीय चुनाव समिति उसमें तय करेगी। सर ये 6 में ये जो टफ सीट है उसको लेकर? हाँ उसी का मैं कह रहा हूँ। सर कल दिल्ली में बड़ी बैठक थी जिसमें राहुल गांधी साहब से तमाम टॉप लोग मौजूद थे, लेकिन सर मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर बार बार ये पेश हो रहा था, जब राहुल गांधी सवाल पूछा गया तब भी उन्होंने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। बात यह है कि हमेशा याद रखिए कि ये संसदीय लोकतंत्र है, संसदीय लोकतंत्र में डायरेक्ट मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं होता है। विधानसभा के जो सदस्य बहुमत जिस पार्टी का आता है उसके द्वारा चयन होता है। तो ये जो कहा गया है वो अपने हिसाब से ठीक है, लेकिन जनभावना यहाँ की ये है मध्य प्रदेश की, का मैं कह सकता हूँ कि 99% लोगों की, कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए और यदि सरकार हमारी बनती है तो मुख्यमंत्री बने, ये भावना है कांग्रेस के लोगों की।